राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगी खाटू श्याम दिल्ली धाम के, जो जीटी करनाल रोड अलीपुर और टिवोली ग्रैंड के पास दिल्ली 11036 में स्थित है। बोले खाटू श्याम बाबा की जय। इस मंदिर का सबसे नियरेस्ट मेट्रो जहांगीरपुरी है। इसके गेट नंबर 4 से आप बाहर एग्जिट करेंगे तो 10-15 मिनट वहां से जैसे ही आप चलेंगे आगे तो वहां पर ऑटो या दिल्ली की डीटीसी बस मिल जाएंगी और 10-10 रुपए में ई रिक्शा आपको डायरेक्ट मंदिर के बाहर उतार देगा। खाटू श्याम मंदिर में एंट्री से पहले आप जूते चप्पल उतार सकते हैं। अब हम गेट नंबर 1 से अंदर मंदिर में जाने के लिए एंट्री लेंगे। आप देख सकते हैं लोग जैसे जा रहे हैं। जैसे आप प्रवेश द्वार में पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको खाटू श्याम जी के 2021 किलो के अष्ट धातु से बने हुए चरण चिन्हों के दर्शन होंगे और इन चरण चिन्हों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। अब इससे हम सीधा अंदर की ओर एंट्री लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आपको यहाँ की टाइमिंग्स बता देती हूँ। यह मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है, फिर दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक यह बंद रहता है और शाम को फिर से यह 4 बजे खुलता है और रात्रि के 8 बजे तक खुला रहता है। उसके पश्चात ये बंद होता है और विशेषकर 11 के दिन और अन्य त्योहारों पर यह पूरा दिन खुला रहता है। लाइनों से जाते समय आप अपनी बाईं ओर देखेंगे, यहाँ पर पेड़े का प्रसाद मिलता है, लड्डुओं का मिलता है। आप जो भी भगवान की भोग के लिए लेना चाहें ले सकते। बाबा को आप यहाँ से नारियल फल फूल भी चढ़ा सकते हैं। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम धाम में। आपको दर्शन करवाएंगे हमारे खाटू श्याम बाबा जी के, हमारे साथ बनना ले लिए। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर है और कितना विशाल और भव्य है। यहाँ पर आप जैसे लाइनों में जाएंगे, ये आपको नारियल भगवान के निशान चढ़े हुए मिलते हैं। लोगों की मनोकामना जब पूरी होती है तो वह नारियल और निशान यहाँ पर बाबा को चढ़ा कर जाते हैं। इसके बाद अब आपको दर्शन होंगे हमारे जितने भी नवग्रह देवता हैं, यानी 9 ग्रहों के, यहाँ पर सभी की प्रतिमाएं विराजित हैं। बोलिए 9 ग्रह देवता की जय। इससे आगे जैसे ही आप निकल कर जाएंगे, नवग्रह के बिल्कुल लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर यज्ञ वेदियाँ हैं, यानी यहाँ पर यज्ञ होता है इन सभी वेदियों में। आइए अब मिलकर दर्शन करते हैं हमारे श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माँ के, और उनके बिल्कुल सामने हमारे गरुड़ देवता जी जो विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की सवारी हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के मन्नत वाले नारियल ही नारियल आपको देखने को मिलेंगे, यानी खाटू श्याम जी अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तभी तो यहाँ पर इतने आपको नारियल निशान चढ़े हुए देखने को मिलेंगे। अब इससे आगे देखिएगा, सबसे अद्भुत दर्शन होंगे अभी तक के। बहुत जल्द सामने खाटू श्याम जी आने वाले हैं, दर्शन करिएगा भाई। मेरे प्यारी बिहारी जी के दर्शन करिए आप। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास लो, बाकी बिहारी लाल की जय। खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले एक बार जयकारा लगाइए। बोलो खाटू श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की जय, सहारे की जय। सबसे पहले आपको लाइन में लगते ही हमारे गणपति गणेश जी के दर्शन होंगे, उनके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, जिनके आगे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। इसके बाद आप हमारे हनुमान बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। अब यहाँ से आपको रास्ता दिख रहा होगा, लिखा हुआ है बाबा की गर्भ गुफा का रास्ता जाता
जाता है, वहाँ पर आपको गर्भ गुफा में हमारे खाटू श्याम बाबा जी के अद्भुत अविश्वसनीय दर्शन होंगे। और आप पक्का लिखवा लीजिए, उनके दर्शन करते एक असीम सी ऊर्जा आपको अपने अंदर महसूस होगी, क्योंकि मुझे भी उनके दर्शन करके एक अलग भी अनुभव हुआ। यहाँ पर देखिए, ये आ गए हमारे खाटू श्याम जी। महसूस कीजिए, नीचे दो जोत जल रही हैं और कितने प्यारे गर्भगृह में हमारे खाटू श्याम जी बैठे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, सारे जिस जिसके घर नहीं होते हैं ना, वो लोग यहाँ पर अपने घर बनाकर जाते हैं और खाटू श्याम जी की कृपा से उनके अपने घर हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए कार और बाइक की राइड्स भी होती हैं, जो 10-10-20 रुपए का पर फेयर लेती हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे भारत माता के नक्शे में खाटू श्याम जी के दर्शन हो रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ कई दुकानें भी हैं, जिन दुकानों से आप खाटू श्याम जी की पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री ले सकते हैं। यहाँ पर कैमल सवारी भी होती है, यानी ऊँट की सवारी आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर मंदिर में आ रहे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। तो जैसे कोई बुजुर्ग है जिनके पैरों में दर्द है या जिनसे नहीं चला जाता, उनको इन गाड़ियों के थ्रू दर्शन कराए जा सकते हैं मंदिर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं दर्शन के लिए। वो खाटू श्याम जी का ये माता का है। हाँ, ये माता और यहाँ भी हमने सुना है 36 धाम भी बनेंगे। बांके बिहारी जी आ गए। हाँ, वो आ गया। हाँ। भोले बाबा का, आइए, भोले बाबा का मंदिर बने, भोले बाबा बन गया। अच्छा, वो बन गया। हाँ, श्याम कुंड। हाँ जी, 2 साल के बाद आपको यहाँ पर अलग ही नज़ारा मिलेगा। मैं के बाद आप अब जैसे जैसे आओगे यहाँ, वैसे वैसे सब चीज अलग 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 हो जाए। ये सामने से आपको दिख रहा होगा, ये हेलीकॉप्टर रेस्टोरेंट है। ये रास्ता बंद है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से। इससे आगे चलकर आपको सिग्नेचर ब्रिज देखने को मिलेगा, जहाँ पर समुद्र मंथन के दर्शन होते हैं। उसके नीचे ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, ये समुद्र से लाकर रखे हुए हैं, और यहाँ भी लोग अपना घर बनाते हैं जिनके घर नहीं होते। आपके पानी पीने के लिए भी यहाँ पर शीतल जल की उचित व्यवस्था की हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग घोड़ा गाड़ी में सवारी कर रहे हैं, जो कहा पहले पुराने ज़माने में लोग असली में अपने सफ़र इन्हीं पर, हमारे पूर्वज, हमारे नाना नानी तय करते थे। और ये झूला है यहाँ पर। आइए अब चलते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर हमारी गौ माता जी का मंदिर। यहाँ पर नंदी गणेश जी भी साइड में विराजमान है, आप देख सकते हैं। जिसको भी अपनी कामना पूर्ति करनी हो, वो नंदी गणेश जी के कान में अपनी मनोकामना बोल सकता है और वह निश्चित पूरी होती है। अब हमारे कान्हा जी और हमारी प्यारी राधा रानी जी के दर्शन कीजिए। मैंने सोचा मैं भी क्यों ना भगवान से कुछ मांग लूं, ये जीवन भी तो उन्हीं का ही दिया हुआ है। खाटू श्याम जी के इस मंदिर में बहुत सुंदर गौशाला भी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ये अलग ही प्रकार की गायें हैं, इन्हें गीर गाय बोला जाता है। गीर गाय का यदि आप घी लेते हैं, घी खाते हैं, तो इससे आपकी जितनी भी शारीरिक बीमारियां वो दूर हो जाती हैं, और इनकी परिक्रमा करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। गौ माता की जय। हमारे कान्हा जी कृष्ण जी की प्रिय गैया आप देख सकते हैं, और गौशाला भी है, और गायों को आप यहाँ पर चारा डाल सकते हैं, चारे के लिए आप दान भी दे सकते हैं और घर से कुछ लाकर भी भोग लगा सकते हैं। कहते हैं ना कि घर की पहली रोटी हमारी गौ माता जी के नाम से निकालनी चाहिए। यदि आप यहाँ पर आए तो गौ चारे के लिए अवश्य दान दीजिएगा। आइए अब दर्शन करते हैं हमारे प्यारे कान्हा जी के, जिन्होंने अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देख सकते हैं आप, इनको देखते ही ना वह दृश्य जीवित हो उठता है जब कान्हा जी ने इसको उठाया होगा। मित्रों, इस जगह का नाम है दिल्ली छे, इसे दिल्ली छे का नाम दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने की सभी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, आप जो मन चाहे कुल्लड़ वाली,
लस्सी, दही, दूध, खाना पीना, भल्ले, गोलगप्पे, ये सब आप यहाँ पर खा सकते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आता है भाई, खा पी के तो जाता ही है भगवान के दरबार से, तो आप यहाँ पर जो मन चाहे आप यहाँ पर लेकर खा सकते हैं। पॉज करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो भी आपको खाना खाने को मिलेगा ना, वह सब कुछ शुद्ध शाकाहारी होगा। यहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड है शाम मंडल के लिए, वो फ्री बुकिंग है। और 800 लोगों के लिए यहाँ पर एक हॉल या शौचालय की भी प्रॉपर सुविधाएं हैं। यहाँ पर हम खाने आए हैं, मैं और बुआ खाने आए हैं। यहाँ पर हमें 80 रुपये पर प्लेट मिला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये आलू की सब्जी है, ये कढ़ी है, ये दाल है, दो चपाती है, राइस है, आप और भी ले सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड है। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि यह मंदिर किसने और कैसे बनवाया। तो आपको बता दूं मित्रों, खाटू श्याम जी का यह मंदिर 1,00,000 वर्ग गज की भूमि पर बना हुआ है। और इस मंदिर के जो अध्यक्ष है घनश्याम गुप्ता जावेरी जी, उन्होंने बताया कि एक दिन उनको विचार आया कि क्यों ना खाटू श्याम जी का मंदिर भी दिल्ली में होना चाहिए। यह बात उन्होंने अपने दोस्तों से विचार में कही, तो उनके दोस्तों ने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इस कार्य से अभी तक लगभग दिल्ली से 8,000 लोग जुड़ चुके हैं। कोई भी देवी देवताओं को मानने वाले लोग यहाँ का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 36 धाम होंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर धर्मा चिकित्सालय, योग सेंटर और स्पेशली श्याम कुंड भी बनाया जाएगा।